गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी जो ठंडी का समय चल रहा है उसमें हमें अपने गुलाब की खास केयर भी करनी पड़ती है और उसमें फर्टिलाइज़र भी बहुत टाइम से डालना पड़ता है और कटिंग का भी खास ध्यान रखना पड़ता है, तभी जो हमारे गुलाब के प्लांट हैं उसमें नई ब्रांचेस भी आती हैं इसी महीने में और बहुत सारी कलियां भी खिलती हैं। गुलाब में अलग अलग प्रकार का खाद डाला जाता है, कई बार होता है एक खाद से फूल नहीं खिलता है तो हम लोग दूसरा खाद डालते हैं, लेकिन अगर हम एक ही खाद को लगातार डालेंगे तो वो भी हमें फ़ायदा ही देगा। हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं और उस खाद को छोड़कर फिर से नया खाद डालने लग जाते हैं। दोस्तों, बीमारी एक रहती है लेकिन उसकी दवाइयाँ 100 होती हैं, इसीलिए पौधा भी एक है और उसके फर्टिलाइज़र भी बहुत रहते हैं। इसलिए मैं अपने हर एक वीडियो में नया नया अलग अलग फर्टिलाइज़र आपको बताती रहती हूँ, कुछ ऑर्गेनिक बताती हूँ, कुछ रासायनिक बताती हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो अपने प्लांट में डाल सकते हो, बस आपके गुलाब के पौधे में फूल खिलना चाहिए और पौधा भी हरा भरा रहना चाहिए और एक भी पौधा आपका सूखना भी नहीं चाहिए। और मैं आज आपको एक ऐसा ऑर्गेनिक पावरफुल फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे आपका गुलाब खिलेगा भी और घना भी होगा। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो बीच में छोड़ के मत जाएंगे, आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए तभी आप अपने प्लांट में फूल खिला पाओगे। क्योंकि फर्टिलाइज़र किस हिसाब से डालना चाहिए ये भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कई बार ज़्यादा हो जाता है तब भी पौधा हमारा मर जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। गुलाब का पौधा हमें कभी भी दोस्तों धूप में ही लगाना चाहिए क्योंकि बिना धूप के गुलाब का फूल अच्छे से खिलता भी नहीं है और ना ही पौधा भी घना नहीं होता है। इसलिए कभी भी गुलाब को आपको धूप में ही लगाना चाहिए और इसके लिए मिट्टी भी आपको अच्छे से तैयार करनी चाहिए। गुलाब की मिट्टी बनाने के लिए दोस्तों आपको काली मिट्टी ले लेनी है और काली मिट्टी में भूसा मिला लेना है और उसमें थोड़ा गोबर खाद भी मिला लेना है, तब जाकर आप अपने गुलाब के पौधे को लगाइएगा। गुलाब के पौधे को लगाने के लिए दोस्तों कभी भी आपको 12 इंची का पॉट में ही लगाना चाहिए, छोटा पॉट में नहीं लगाना चाहिए, तभी जाकर गुलाब का साइज़ भी बड़ा बड़ा होगा और आपका जो पौधा है वो भी घना होगा। और दोस्तों, आपके घर में जो भी गुलाब का पौधा गमले में लगा हुआ है तो उसकी जो दोस्तों मिट्टी रहती है उसको आपको गुड़ाई करते ही रहना चाहिए। ज़्यादा दिन हो जाने के कारण दोस्तों मिट्टी जो रहती है ये चिपचिपी टाइप सी हो जाती है और जो हमारा गुलाब का पौधा रहता है दोस्तों वो बढ़ नहीं पाता है और मिट्टी जम सी जाती है। इसलिए गुलाब की हर एक हफ्ते कोड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जिससे जो हमारी मिट्टी रहती है भुरभुरी हो जाती है और उसमें हवा भी लग जाती है, मिट्टी की जो दोस्तों उपजाऊ शक्ति रहती है वो भी बढ़ जाती है। और गुलाब तो दोस्तों बहुत ही हरा भरा घना भी हो जाता है, लेकिन ये देखिए गुलाब में ये जो जंगली निकलता है इसकी आपको पहचान करनी चाहिए और ये दोस्तों हमेशा देखिए जड़ के पास से ही निकलता है, ये देखिए जड़ के पास से निकला हुआ है। अगर इसे हम नहीं काटेंगे तो ये हमारे पूरे पौधे को जंगली बना देगा और फूल भी नहीं खिलने देगा। इसमें दोस्तों 7 पत्ते रहते हैं, इसकी पहचान यही है। इसको दोस्तों हमेशा आपको काट के निकाल देना चाहिए, तभी जाकर हमारा गुलाब अच्छे से बढ़ेगा और अच्छे से फूल भी देगा। और जो फूल दोस्तों सूख जाता है, सूख के बिखर जाता है, उसको दोस्तों आपको यहाँ 2 से 3 इंची नीचे से कटिंग कर देनी चाहिए। कटिंग दोस्तों आप किसी भी मौसम में कर सकते हो।
जब तक हम दोस्तों इसका कटिंग नहीं करेंगे तब तक इसमें नई ब्रांच भी नहीं आएंगी और नई कलियां भी नहीं आएंगी और फूल का भी साइज धीरे धीरे छोटा होता ही चला जाएगा। जब दोस्तों हम अपने गमले की कोड़ाई कर लेते हैं तो उसमें आपको ये देखिए ये वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा डाल देना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट से दोस्तों पौधा हरा भरा रहता है और पौधा तेज़ी से बढ़ता भी है और जड़ का भी अच्छे से विकास होता है और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहता है। इसे हमें अपने गुलाब में डालना ही चाहिए। आज जो गुलाब के पत्ते दोस्तों ऐसे काले टाइप हो जाते हैं, पीले टाइप हो जाते हैं, सिकुड़ से जाते हैं, उसके लिए भी मैं आपको दवाई बताऊंगी जिससे आपका गुलाब सूखेगा भी नहीं और ना ही मरेगा। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए दोस्तों ये देखिए हम लोग घर में पालक खाते रहते हैं और पालक के जो पीछे की डंठी रहती है उसे हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन आपको फेंकना नहीं है, इसका हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे और इसमें एक चीज़ और भी लाएंगे जिससे इसकी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको ये डंठी सब इकट्ठा कर लेना है और करके बारीक बारीक दोस्तों इसको काट लेना है, और क्योंकि दोस्तों पालक में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रहता है और विटामिन पाए जाते हैं जो पौधे को फूल खिलाने में भी मदद करते हैं और पौधे को हरा भरा भी रखते हैं। पालक दोस्तों हम लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहता है। ये देखिए दोस्तों मैंने पालक को मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है और पीसने के बाद दोस्तों आपको ऐसे चाय छन्ने में इसको आपको छान लेना है। इसे दोस्तों अगर आप उबाल के बनाएंगे तो लंबे समय तक भी रख सकते हो, लेकिन ऐसे ताज़ा ताज़ा बनाओगे तो ये हमें जल्दी डालना रहता है और इसमें हम पानी भी मिलाएंगे। ये हमने दोस्तों छान लिया है और छानने के बाद दोस्तों इसमें एक चीज़ और आपको मिलाना है और वो है दोस्तों ये देखिए ये मस्टर्ड केक आपको ले लेना है और दोस्तों ज़्यादा नहीं लेना है। आपको अगर ज़्यादा पौधा है तो 2 चम्मच, नहीं तो 3 चम्मच, और कम पौधा है तो आपको 1 चम्मच के हिसाब से इसमें मिला देना है और मिलाने के बाद दोस्तों इसको आपको पानी मिलाना है और इसमें दोस्तों आपको 1 लीटर पानी मिला देना है और मिलाने के बाद आपको लमसम आधे घंटे के लिए रखना है और रखने के बाद ही अपने सभी प्लांट में डालना है, तुरंत आपको नहीं डालना है। ये बहुत ही अच्छा टॉनिक भी रहता है गुलाब के लिए, खिलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है और फिर इसे हम अपने सभी प्लांट में डालेंगे। लेकिन आपको एक बात का याद रखना है, इसका स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगी। और जिस दिन भी दोस्तों खाद डालना रहता है उस दिन आप अपने गमले में पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, तभी जाकर ये खाद अच्छे से काम करता है और अच्छे से फूल भी देता है। इस फर्टिलाइज़र को अगर लगातार डालोगे तो आपका फूल दोस्तों खिलता ही रहेगा। इस फर्टिलाइज़र को दोस्तों आप अपने सभी फूल वाले पौधे में और शो वाले पौधे में डाल सकते हो। और कितने दिन में डालना चाहिए दोस्तों ये भी मैं अभी बताऊंगी, लेकिन पहले आपको दवाई बता दूं स्प्रे करने वाला। पेस्टिसाइड बनाने के लिए दोस्तों आपको 1/2 लीटर पानी ले लेना है और फिटकरी है, फिटकरी बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड रहता है और इसमें एंटी बैक्टीरियल होते हैं जिसकी वजह से पौधों में एक भी बीमारी नहीं आता है। तो आपको इसे पानी में डाल देना है और कम से कम 12 घंटे के लिए इसको ढक कर रखना है, तभी अपने प्लांट में स्प्रे करेंगे। इस स्प्रे को कभी भी आपको शाम के समय ही करना है, कभी भी धूप में नहीं करना रहता है, तब जाकर ये हमें अच्छा रिजल्ट देता है और लगातार करोगे तो आपके गुलाब में एक भी बीमारी नहीं आएगी और ना ही एक भी पत्ता सिकुड़ेगा। इस स्प्रे को दोस्तों आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर स्प्रे करना चाहिए और करने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, तब जाकर हमारे गुलाब में नई ब्रांच भी आएगी और नई कलियां भी आएंगी और एक भी गुलाब में हमारे बीमारी भी नहीं लगेगा।
और इस फर्टिलाइजर को दोस्तों आपको 7 दिन में एक बार अपने जितने भी गुलाब के पौधे हैं उन सभी में डालना है, एक एक कटोरी के हिसाब से, और अगले दिन पानी डाल देना है। ठंडी के दिनों में दोस्तों अपने गुलाब में पानी भी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कई बार ज़्यादा पानी की वजह से भी हमारा गुलाब सूखने लगता है और मरने लगता है। और जनवरी में तो और ख़ास ध्यान देना पड़ता है। अगर आप यही वाला फर्टिलाइज़र अपने गुलाब में डालोगे तो आपका गुलाब 100% फूलों से भर जाएगा, पौधा भी घना हो जाएगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके गुलाब में क्या रिस्पॉन्स आया है दोस्तों, और मेरे वीडियो में इसी तरह बने रहेंगे और अपना सपोर्ट और प्यार देते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं इतना मेहनत करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी जानकारी मिले और आपके जो घर पर प्लांट हैं उसमें फूल भी खिलें और उसमें कोई बीमारी भी ना आए। अगर दोस्तों वीडियो मेरा अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को नमस्कार।